हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर इस पूरे लेसन में हम बात करेंगे यूपी ट्रबल एससी वीडियो युवा कल्याण एग्जाम के बारे में। साइंस बायोलॉजी सभी क्वेश्चन टॉप के मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपका है पार्ट नंबर सेकेंड, 140 प्लस इम्पोर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ और इन सभी क्वेश्चन को आपको यहाँ पर अच्छे से तैयार कर लेना है आने वाले एग्जाम्स के लिए। यहाँ से पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, इसके अलावा मैं अनअकैडमी पर एक एजुकेटर भी हूँ, तो मेरे द्वारा बनाए गए कोर्सों को देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। उसके बाद में यहाँ पर आप मेरा नाम सर्च करेंगे अभिनव सिंह और मेरे द्वारा बनाए गए सभी कोर्स आप देख सकते हैं, जो कि आपकी यूपी ट्रबल एससी वीडियो युवा कल्याण UPPCL री एग्जाम UPPSC RO व अन्य सभी एग्जाम के लिए मैंने यहाँ पर लगातार अच्छे कोर्स दिए हैं, जो कि जनरल हिंदी का कोर्स, जनरल स्टडी का कोर्स, साइंस का कोर्स, कंप्यूटर का कोर्स, करंट अफेयर का कोर्स व मैथ्स के कोर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और वहाँ पर मुझे फॉलो करें। क्वेश्चन नंबर आपका है 45 है। 44 क्वेश्चन तक मैं आपको इसके पहले पार्ट में दे चुका हूँ। मनुष्य में सामान्य निरन्न रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है। चार आंसर आपके लिखे हुए हैं। आंसर नंबर आपका 80 यानी कि 80 से 100। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 46 कि मानव रुधिर का pH है। आपके सामने चार आंसर लिखे हुए हैं। आंसर नंबर आपका डी यानी कि 7.4 आपका रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है 47, वयस्क के मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है 1 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर या 7 लीटर। आंसर नंबर आपका है सी यानी कि 5 लीटर। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है। तो चार आपके आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं। आंसर नंबर सी फॉलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर आपका है 49, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है। तो आपके सामने चार आंसर लिखे हुए हैं। आंसर नंबर आपका है बी यानी कि 300 ग्राम। क्वेश्चन नंबर आपका है 50, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है। चार आंसर आपके सामने लिखे हुए हैं और इसका आंसर नंबर आपका है डी यानी कि प्रति मिनट 70 से 80 बार। क्वेश्चन नंबर 51, हृदय का काम है। तो आपके सामने यहां पर चार आंसर लिखे हुए हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। क्वेश्चन नंबर आपका है 52, क्या है यहाँ पर मानव हृदय के या मानव हृदय में कक्षों की संख्या है 4, 2, 3, 5। आंसर नंबर आपका है ए यानी कि 4। क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पर 53 कि ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है। चार आंसर आपके लिखे हुए हैं। आंसर नंबर आपका है बी यानी कि हृदय। क्वेश्चन नंबर आपका है 54, दिल का दौरा किस कारण होता है। आपके सामने यहाँ पर चार आंसर लिखे हुए हैं। आंसर नंबर सी, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी होता है तभी यहाँ पर आपका दिल का दौरा पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 55, क्या है क्वेश्चन पूरा आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स का स्त्राव करती है। तो आपके सामने यहाँ पर चार आंसर लिखे हुए हैं। आंसर नंबर आपका है ए यानी कि एड्रिनल ग्रंथि आपका है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है 56, दुग्ध जनक हार्मोन्स का स्त्राव कहाँ पर होता है। तो आपके सामने यहाँ पर चार आंसर लिखे हुए हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आपका है डी यानी कि पीयूष। आंसर नंबर डी आपका है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है 57 कि पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर होती है। तो चार आंसर आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं और इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका रहेगा यानी कि बी, मस्तिष्क के आधार में। दोस्तों, हर क्वेश्चन का आंसर आपको अपने पेपर पर लिख लेना है, लास्ट में आपको बता देना है कि आपने यहाँ पर कितने क्वेश्चन सही किया है और आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पर पहले से आते हैं या आप यहाँ पेपर में इनको कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 58, मानव शरीर में वे नियंत्रण केंद्र कहाँ हैं जो भूख, पानी संतुलन तथा शरीर के तापमान को विनियमित करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर चार आंसर लिखे हुए हैं। आंसर नंबर आपका है डी यानी कि हाइपोथैलेमस आपका रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है 59, स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो चार आंसर आपके लिखे हुए हैं। आंसर नंबर आपका है बी यानी कि यकृत आपका रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है 58, मानव शरीर में वे नियंत्रण केंद्र कहाँ हैं जो भूख, पानी संतुलन तथा शरीर के तापमान को विनियमित करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर चार आंसर लिखे हुए हैं। आंसर नंबर आपका है डी यानी कि हाइपोथैलेमस आपका रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है 59, स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो चार आंसर आपके लिखे हुए हैं।
आंसर नंबर आपका बी यानी कि यकृत आपका रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है 60, निम्न में से कौन सी अंतःस्राव ग्रंथि गर्दन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका है 60, निम्न में से कौन सी अंतःस्राव ग्रंथि गर्दन में स्थित है। चार आंसर आपके हैं यानी कि अवट बोलते हैं यानी कि थायराइड। आगे यहाँ पर हम बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर आपका है 61, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है। तो आपके सामने यहाँ पर चार ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है 62, यह नरलिंग हार्मोन है। आपके सामने चार आंसर लिखे हुए हैं, आंसर नंबर आपका सी रहेगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है 63, घेंघा निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। तो आपके सामने यहाँ पर चार आंसर लिखे हुए हैं और इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि आयोडीन की कमी से यहाँ पर घेंघा रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, डायबिटीज मेलिटस किस हार्मोन के कम बनने से होती है। तो आपके सामने यहाँ पर चार आंसर लिखे हुए हैं, आंसर नंबर ए यानी कि इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर आपका है 65, श्वसन प्रक्रिया है। आपके सामने यहाँ पर चार आंसर लिखे हुए हैं, आंसर नंबर आपका है बी यानी कि अपचाई। क्वेश्चन नंबर आपका है 66, यहाँ पर मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। तो आपके सामने यहाँ पर चार आंसर लिखे हुए हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए यानी कि तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पर 67 क्या है और यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुछ रंगों के बीच भेदभाव नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 68, निम्न में विषम मध कौन सी है। तो चार आंसर आपके लिखे हुए हैं, आंसर नंबर आपका है डी इसका रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है 69 क्या है कि निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है। तो चार आंसर आपके सामने लिखे हुए हैं, सिंपल सा आंसर आपका रहेगा यानी कि बी व्हेल। आगे यहाँ पर हम बात कर लेंगे कि पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है। तो चार आंसर आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं और सिंपल से इसका आंसर आपका है शुतुरमुर्ग मुर्ग। क्वेश्चन नंबर आपका है 71 क्या है, सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पर आपके चार आंसर लिखे हुए हैं और इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका रहेगा यानी कि गुंजन पक्षी, आंसर नंबर आपका सी रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है 80, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता। तो चार आंसर आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं और इस ऑप्शन बी यानी कि प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर आपका है 81, किस कारण से जल का भारी धातु प्रदूषण होता है। चार आंसर आपके लिखे हुए हैं, आंसर नंबर आपका है डी यानी कि घरेलू मलजल। क्वेश्चन नंबर आपका है 82, जीन शब्द किसने बनाया है। तो चार आंसर आपके सामने लिखे हुए हैं, आंसर नंबर आपका रहेगा इसका बी रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है 83, यानी कि पेंसिलिन की खोज किसने की। तो आपके सामने यहाँ पर चार आंसर लिखे हुए हैं, आंसर नंबर आपका रहेगा ए यानी कि एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका 84 है, पेंसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। चार आंसर आपके लिखे हुए हैं, आंसर नंबर आपका इसका रहेगा फर्स्ट इसका रहेगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर आपका है 85, ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण होता है। आपके सामने यहाँ पर चार आंसर लिखे हुए हैं और इसका जो राइट आंसर आपका है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आपका रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका है 86, पीत ज्वर संचारित किया जाता है। चार आंसर आपके लिखे हुए हैं यानी कि एडीज द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका है 87, फाइलेरिया पैदा किया जाता है। तो आपके सामने चार आंसर लिखे हुए हैं और इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है 88, क्या लिखा हुआ है, पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी। तो आपके सामने यहां पर चार आंसर लिखे हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ये सभी थे टॉप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए यूपी ट्रैवल एजेंसी वीडियो युवा कल्याण एग्जाम लेखपाल व सभी यूपी ट्रैवल एजेंसी के एग्जाम यूपी पीसीएल व अन्य सभी एग्जाम्स के लिए। तो इन 140 प्लस में क्वेश्चन जो आपको दे रहा हूँ इनको आप अच्छे से यहाँ पर तैयार कर लेंगे। ये क्वेश्चन सारे आपके हैं बायोलॉजी के।
तो यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा, तो अच्छे से इनको तैयार कर लीजिए। लेसन अगर आपको ये पसंद आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इसके साथ साथ अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर करें। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में जहाँ पर हम बात करेंगे बचे हुए इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में।